Oh, amazing. Wow, Ananya Didi, aapki painting to kaafi zyada amazing hai. Jaise live screen se. Thank you, Vivan. Aur tumhe pata hai, ye sirf paintings nahi hai. Ye apne aap mein ek duniya hai. Really? Kaise? Ruko dikhati. Ye dekho. Ye hai flower ki duniya. Wow. Aur wo ye titliyon ki duniya hai. Aur ye ये है चॉकलेट वर्ल्ड। ओह, दीदी, क्या हम क्विक चॉकलेट वर्ल्ड टूर करके आए? श्योर। मेरा दिल खुशी के मारे तपड़ तपड़ कर रहा है। चलो हाथ आगे करो। क्यों? हमें स्कूल टीचर की तरह मार पड़ने वाली है क्या? अरे नहीं नहीं डूबा डूबा, ये तो इस पेंटिंग के अंदर जाने का मेथड है। चलो अमेजिंग वाह, क्या अद्भुत चित्रकारी किया अनन्या ने, एकदम असली चॉकलेट जैसी। चॉकलेट की नदी। माने डूबा डूबा, ये चॉकलेट सिरप तो असली चॉकलेट से भी ज्यादा टेस्टी है। वाह, स्वादिष्ट है। ओ हेलो, तुम दोनों पेंटिंग परखने गए हो या चखने? चखने। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। चलो वाह अनन्या दीदी, मैंने ब्यूटीफुल पेंटिंग्स तो पहले भी देखी थी, लेकिन इतनी टेस्टी पेंटिंग्स पहले कभी नहीं देखी। ये तो कुछ भी नहीं है विवान, अभी मैं ऐसी स्पेशल पेंटिंग बनाने वाली हूँ जिसमें हम सब और परियां पिकनिक पे जा सकते हैं। कब? आज अभी। मैं तैयार हूँ पिकनिक पे जाने के लिए। निपनिक? अरे नहीं नहीं डुबा डुबा, निपनिक नहीं, पिकनिक पिकनिक। और वैसे भी हमें पिकनिक में जाने के लिए थोड़ा वेट तो करना ही होगा, और अभी जरा मुझे नीचे माँ की हेल्प करने जाना है। चलो चलो। चिड़िया चाल में मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ तिमनासा? हे भगवान, आज मैं अपने नए काम की शुरुआत करने जा रही हूं, अपना आशीर्वाद बना के रखना। मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। आपने टिफिन का रेट इतना कम क्यों कर रखा है इस बार? हाँ माँ, अब 100 रुपीज की थाली 60 रुपीज में क्यों बेच रही है?
मेरी प्यारी सी मैनेजर और मेरा क्यूट अकाउंटेंट। वो दरअसल बात ये है ना कि मैंने इस बार सारी सब्जियां और सारा अनाज सीधे किसानों से खरीदा है, कोई एजेंट नहीं है बीच में। ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इससे कमीशन भी बच जाएगा और साथ ही साथ किसानों का और हमारा फायदा भी हो जाएगा। करेक्ट। और वैसे भी मेरा मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, लोगों को अच्छा और सस्ता खाना खिलाना है, इसलिए तो मैंने अपनी थाली का रेट 60 रुपीज किया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। और ये सब भगवान के आशीर्वाद से ही तो हो रहा है, इसलिए मैंने आज का खाना पूरा फ्री रखा है। वाह माँ, ये तो बहुत सही किया है आपने, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके हाथ का बना खाना टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा कस्टमर्स भी आएंगे। हाँ, क्योंकि मेरी मम्मी के हाथ का खाना खा के लोग अपनी मम्मी के हाथ का खाना भूल जाएंगे। अच्छा चलो हम सब ना बाहर चल के इंतजाम देख लेते हैं क्या कैसे हो रहा है ना, और गेस्ट भी आने वाले हैं। चलो। अनन्या की ये चित्रकारी वीर लोक वालों पर बहुत भारी पड़ने वाली है। But one quick question को इन दिमाग से, क्या अगर इस पेंटिंग में ऐसा है क्या कि सारे परियां ट्रबल में आ जाएंगी? बहुत सही सवाल किया रे। मैंने अनन्या को सम्मोहित करके उससे एक ऐसा चित्र बनवाया है जो पृथ्वी के एक बहुत ही खतरनाक समय को खोलेगा। अरे देखने में तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा है इस चित्र में। सब मेरे सामने खड़े हैं, इसका मतलब इन लोगों ने मुझ पे मैजिक किया है। एक समय था जब ये विशालकाय घातक जानवर पृथ्वी पर राज किया करते थे। ये परियां जैसे ही इस चित्र के अंदर जाएंगी तो उनकी वो मामूली सी शक्तियां, वो मामूली सी जादू वहां पर काम नहीं करेंगे और वो इन खतरनाक जानवरों का खाना बन के रह जाएंगी। कीप ऑन ड्रीमिंग तिमनासा, क्योंकि मैं अभी जाके बालवीर को अलर्ट कर दूंगी और तुम्हारे प्लान टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश हो जाएगा। करुणा जी, कितना अपनापन है इस खाने में, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। वो इसलिए क्योंकि हमारी माँ ये खाना बहुत प्यार से बनाती है। और वो जो प्यार है ना, वो खाने में दिख रहा है। करुणा जी का खाना बनाया आपने। थैंक यू। अच्छा करुणा जी, मैं क्या कह रहा था, मेरे फैक्ट्री के वर्कर्स है ना, उनको आप एक साल का टिफिन सप्लाई कर सकती है। थैंक यू सो मच फॉर द ऑफर मिस्टर अखिलेश, लेकिन आपके वर्कर्स के लिए अभी मैं सिर्फ एक महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगी। करुणा जी, मैं बॉस से कह के आपको एक साल का एडवांस दिला सकता हूँ। नहीं नहीं मिस्टर गुप्ता, पैसों की बात नहीं है, बात कमिटमेंट की है। एक्चुअली मैंने अभी के कस्टमर्स से जो कमिटमेंट किया हुआ है ना, उनके साथ मैं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए। कमिटमेंट के मामले में सलमान भाई से भी आगे है मेरी माँ। पर करुणा जी, आपका ये बिजनेस करने का तरीका ना मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, खाना तो आपको ही भेजना पड़ेगा। मैं मेरे बॉस से बात करूंगा, एक महीने का ही सही। बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। थैंक यू। बाकी करुणा जी, खाना बहुत स्वादिष्ट था। चलता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया आने के लिए। अच्छा विवान, वहाँ टेबल पे ना एक टिफिन रखा हुआ है, वो जरा शर्मा जी के यहाँ पहुँचा देना। ओके मैम। अनन्या दीदी, दीदी आप ऐसे लाइटनिंग स्पीड में कहाँ से उठकर आ रही हो? I need your help, Vivaan. दीदी, पेंटिंग बनाने में तो आप चैंपियन हो, मुझे तो ठीक से एक सर्कल बनाना भी नहीं आता। वो एक्चुअली विवान,
अनन्या, ये तो मैं बचाएगा, इसे तो खुद मदद की जरूरत पड़ने वाली है। ये क्या हो रहा है दीदी? बेचारे हीरो को ही नहीं पता क्या हो क्या रहा है। इंटरेस्टिंग। विवान, ये मैं कहां आ गया? लड़की बालवीर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। Let's go. अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा? विवान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, गुड। तो विवान, तिमनासा ने मुझे हिप्नोटाइज करके पेंटिंग बनवाई थी, इसीलिए शायद ये वन वे पेंटिंग बन गई है। तो फिर अनन्या दीदी, मैं इस पेंटिंग से बाहर कैसे निकलूं? डोंट वरी विमान, मैं अपने मैजिक ब्रश से इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना दूंगी, जिसके हेल्प से फिर तुम बाहर आ जाओगे। लेकिन विमान, अभी रे और मेहमान मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए मैं पहले दीबू को अपडेट करने जा रही हूँ, ताकि वो उन्हें रोक सके और फिर मैं आराम से बैठ के इस पेंटिंग का एग्जिट डोर बना सकूं। ठीक है ना विवान? क्या चल रही है विकास? तुम्हारे इस मास्टरपीस की तारीफ करने का मैं एक मौका दे दूं? फिकर नॉट विमान, ये सिर्फ एक नॉर्मल जंगल ही तो है, थोड़ी देर तो मैनेज कर ही लूंगा मैं। नॉर्मल जंगल में शेर तो होते ही हैं, लेकिन ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ पर सवा शेर से भी कोई बड़ा एनिमल है। जरा देखो तो, yeah!
नहीं देखा था इसे, लेकिन आज तो फेस टू फेस इंटरव्यू हो रहा है मेरा डायनासोर के साथ। जब मैजिक वर्क ना करे तो एक ही रास्ता होता, रन विवान रन। अरे मुझे खा के आपका कौन सा पेट भरने वाला है सर डायनो? अच्छा ठीक है ना मैडम डायनो, आप जो भी हो सर मैडम, मुझे खा के आपको क्या मिलेगा? प्लीज कोई हाई कैलोरी वाला फूड ढूंढ लो ना। अरे मुझे खा के आपका कोई पेट नहीं भरने वाला, मैं कह रहा हूँ ना। अरे क्या तुझे पता है डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स पहले धरती पर राज करते थे? हाँ पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि दो तरह के डायनासोर होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ये भी पता है, लेकिन तुझे ये नहीं पता होगा कि डायनासोर। मुझे सब पता है रिंकू, मैंने सारी मूवीज देखी है डायनासोर की। वैसे आज तुम इतनी डायनासोर के बारे में बातें क्यों कर रहे? पता नहीं, चलो। अरे चिंटी चिंटी, तुम खाली हाथ कहाँ पे जा रहे हो? करुणा आंटी का स्वच्छ और सेफ खाना खाने। अरे लेकिन आज तो आंटी का स्पेशल दिन है ना, और उन्हें स्पेशल फील कराने के लिए कोई तो गिफ्ट ले जाते। हम लेके तो जा रहे अपने टेस्ट बड और अपनी भूख का गिफ्ट, इससे ज्यादा स्पेशल क्या ले जा सकते है रिंकू? अरे छोड़ो इनको 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 तो रद्दी वाले पेपर भी मिल जाए ना कि उसको भी निकल जाएगी और थैंक्स भी नहीं बोलेंगे। चलो रिंकू चलो। वैसे चिंटी, रिंकू और आरवी की बात तो सही थी, हमें कुछ तो गिफ्ट लेके जाना चाहिए। मिश्रा फैमिली की रिस्पेक्ट की बात है, हम लोग खाली हाथ नहीं जा सकते, लेकिन गिफ्ट अभी कहाँ से लाए? हाँ चिंटी, कहाँ से लाए गिफ्ट? चिंटी वो देख, मैं यहाँ हूँ। हाँ, वो देख, हम जैसे नेक दिल वालों के लिए भगवान जी ने खुद गिफ्ट की जुगाड़ कर दिया। चलो चलो। हाँ चिंटू भैया, एक जंगल के पेंटिंग देख के करुणा आंटी को स्पेशल फील होगा क्या? अरे चिंटी, गिफ्ट की वैल्यू नहीं देखी जाती, गिफ्ट देने वाले के सेंटिमेंट्स देखे जाते हैं, सेंटिमेंट्स। चलो चल। हेलो करुणा आंटी। हेलो बेटा। कांग्रेट्स आंटी, स्पेशल टिफिन सर्विस खोलने के लिए। थैंक यू। भगवान करे अब हर मन ऐसी 3-4 बार फ्री मील तो खिलाई दें। थैंक यू बेटा, लेकिन तुम दोनों इतना लेट क्यों आए हो? क्यों आंटी, खाना खत्म हो गया क्या? अरे नहीं नहीं, खाना खत्म नहीं हुआ है बाबा, पर तुम दोनों इतने बड़े फूडी होते हुए भी इतना लेट आए हो इसलिए पूछा। हम इसलिए लेट हो गए आंटी क्योंकि हम आपके लिए स्पेशल गिफ्ट ढूंढ रहे थे, मतलब स्पेशल गिफ्ट लेने गए थे इसलिए लेट हो गए। ये लीजिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम दोनों जाओ खाने के टेबल पर। हाँ। देवू। हाँ माँ। इसे जरा अंदर कमरे में रखा हो ना। ओके। वैसे अनन्या क्यों नहीं आई अभी तक? माँ मैं उसे कॉल करता। हाँ उसे कॉल करके पूछो ना। देवू भैया हम इसे खोल के देखिए कि चिंटू चिंटी ने क्या स्पेशल गिफ्ट दिया है। हाँ देख सकते हैं। देखते हैं। देवू भैया गुलाब जामुन सर्व करने के लिए कटोरिया कहाँ रखी है? हाँ आया। खुशी एक काम करो, तुम ये गिफ्ट कमरे में रख दो, मैं आता हूँ। ओके देवू भैया।
कहाँ छुपाई है तुमने वो तस्वीर? अनन्या, विवान पहले ही उस पेंटिंग में ट्रैप हो चुका है और अब तुम अपना मुंह बंद रखे हो, किसी की हेल्प नहीं कर रही हो। बोलो, बता, बोलो। अगर मैंने इन लोगों को सच नहीं बताया तो मुझे ऐसे ही टॉर्चर करते रहेंगे। भारत नगर के पार्किंग लॉट में एक लाल गाड़ी है, उसके नीचे मैंने इस पेंटिंग को छुपाया है। छा। That's like a good girl. मैं वो पेंटिंग लेकर आता हूं। अब बालवीर चाहे कितना भी ढूंढ ले, ना तो वो विवान को ढूंढ पाएगा, ना अनन्या को ढूंढ पाएगा और ना ही हमें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।